Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to solve chapter 1 exercise 1.1 question number 1 and 2 for class 9. Question which is given is 0 a rational number? क्या 0 rational number है? तो obviously है भाई, क्योंकि ये whole number है ना? Can you write it in the form of p upon q? क्या आप उसे p upon q के form में लिख सकते हो? Obviously लिख सकते हैं. Where p and q are integers and q not equal to 0. जहाँ पे p और q जो है वो कोई ना कोई एक इंटीजर हो. इंटीजर इट मीन्स इंटीजर का जो नंबर लाइन अभी मैं आपको दिखाती हूँ, तो वो इंटीजर हो और q नॉट इक्वल टू 0. q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो. तो सबसे पहले ये रहा इंटीजर का मैंने नंबर लाइन बनाया. इंटीजर का जब भी नंबर लाइन बनाते हैं तो हमारा जो 0 है वो सेंटर में जाते हैं, राइट साइड में सारे होल नंबर जाते हैं एंड और जो नेगेटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स जाते हैं और जो लेफ्ट साइड है उसमें सारे नेगेटिव इंटीजर्स जाते हैं. 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन. तो इस तरीका से ये सारे क्या हैं? इंटीजर है ना. तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे रेशनल नंबर हैं. और जैसे -1 है तो -1 वी कैन राइट लाइक दिस, -1 upon 1 है ना. सबके नीचे सबके डेनोमिनेटर में 1 छुपा हुआ है ना, सबके डेनोमिनेटर में. और 0 जो है इसके भी डेनोमिनेटर में 1 छुपा हुआ है. और 0 को वी कैन राइट लाइक दिस, 0 upon 2, 0 upon 10, 0 upon 50, 0 upon 100, वी कैन राइट लाइक दिस. हम ऐसे इसे लिख सकते हैं. तो ये इस फॉर्म में लिखा सकता है. तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब प्रॉपर रूप से आंसर दे देती हूँ. चलो क्या होगा, फर्स्ट का आंसर होगा यस, है ना. कैन यू राइट इन? यस वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, लाइक 0 upon 1, 0 upon 5, 0 upon 10 एंड सो ऑन, है ना. इसे हम लिख सकते हैं. आप देख सकते हो कि इनके डेनोमिनेटर में 0 नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4. अब हमें इस तरीका से रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए दिया जाता है. तो कैसे हम फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले तो जितने रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए दिया गया है उसे हम n इक्वल टू लिखेंगे, है ना. n क्या है इसकी, ये n इक्वल टू क्या हो गया, 6. अब हमें जितने फाइंड करनी है उसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब उसे n प्लस 1 से इस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को मल्टीपल करते हैं. n प्लस 1 ओके मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर विथ n प्लस 1, है ना. n प्लस 1 के साथ दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 3 upon 1 मल्टीपल बाई n प्लस 1 सॉरी 6 plus 1 7 एंड मल्टीपल 7 विच इज 21 upon 7. दूसरा हमारा आ गया 4 upon 1 मल्टीपल 7 एंड मल्टीपल 7 28 upon 7 ओके. अब यहाँ पे अब इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू 3 ही लिखेंगे, ये फर्स्ट वाले हैं. अब इसके बिटवीन है हमें 6 नंबर लिखना है. इट मीन्स चलो लिखती हूँ 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर, है ना. अभी मैं एग्जैक्ट लिखती हूँ फिर आगे करते हैं इसका काम. 21 upon 7, 22 upon 7, 23 upon 7, 24 upon 7, 25 upon 7, 26 upon 7, 27 upon 7 एंड 28 upon 7. अब टोटल कितने हैं? ये तो इसकी वैल्यू हुई और ये इसकी वैल्यू हुई, ये 3 का वैल्यू और ये 4 का वैल्यू. बीच में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना. अब इसे रब करते हैं, इसे क्या करते हैं 3 लिख देते हैं और इसे रब करके इसे 4 लिखते हैं.
और ये रहा हमारा सिक्स रेशनल। आई होप सोल्यूशन, ऐसे जब भी क्वेश्चन गिवेन हो तो आप यही तरीका अपनाओगे, इजी वे में आप सोल्यूशन कर सकते हो। आई होप सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें।